अपने पहली राखी किसे बांधें, आज का विषय यही है। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो पहली राखी के रूप में राम राखी लेकर आते हैं और उसी को चढ़ाना अपना पुण्य का काम समझते हैं। लेकिन मैं आपको बोलती हूँ, कोई से भी आपकी राखी हो, अगर राखी पहली हो, वो राखी अगर आप किसी को चढ़ा देते हैं, बांध देते हैं उसके हाथ में, तो वो रक्षा सूत्र का काम करता है और उस व्यक्ति की तो रक्षा होती ही है, लेकिन वो भी आपका रक्षक बन के सामने आता है। तो आइए आपको बताती हूँ कि कौन हो सकता है आपका रक्षक, किसको पहली राखी बांधे जिससे आपको ज़िंदगी भर किसी की ज़रूरत नहीं पड़े और वो एक भाई के समक्ष, भाई के समान आपका साथ देवे। क्योंकि कलयुगी भाई तो आपका भला नहीं कर सकते, क्योंकि माँ बाप जब तक होते हैं तब तक भाई भाभी साथ देते हैं, लेकिन माँ बाप के जाते ही भाई भाभी मुंह मोड़ लेते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि निर्लज होते हैं कि बहन को भूल ही जाते हैं। तो खैर, अपने मन को दुखी क्यों किया जाए। और आपको ये रास्ता बताती हूँ जो मैं बचपन से फॉलो करती आ रही हूँ और मुझे उससे बहुत लाभ हुआ है, और जब जब मैंने सहारा मांगा मुझे सहारा मिला। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि पहली राखी आप किसे बांधें जिससे ज़िंदगी भर किसी भाई की आपको ज़रूरत नहीं पड़े और वही भाई के समान आपका साथ देवे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर रूमा श्री। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सदा सुखी रहें और अपना ध्यान रखें, ये मैं उनको आशीर्वाद देती हूँ। भगवान करे उनका घर खुशहाल रहे सदा और वो धन धान्य से भरपूर मौज मस्ती करते रहें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बैल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि मैं 2-3 वीडियो जो भी डालती हूँ आपको सबसे पहले उसकी जानकारी प्राप्त हो और लाभान्वित हो सकें आप। तो मेरा नाम तो आप जान ही गए होंगे, मेरा नाम डॉक्टर उमाश्री है और मेरे चैनल का नाम भी डॉक्टर उमाश्री है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मित्रों। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहली राखी की बात कर रही हूँ मैं, तो प्रथम राखी के रूप में आप किसे बांधे राखी, ये आप पर है। क्योंकि कोई ना कोई आपका इष्ट देव भी होता है, कुल देवता भी होता है, कुल देवी भी होती है और ब्राह्मण देवता भी ऐसे होते हैं कि इस दिन रक्षा सूत्र बंधवाने आते हैं, ब्राह्मणी भी आती हैं घर में। तो आप तय नहीं कर पाते कि पहली राखी आप किसको बांधें, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आपको पहली राखी किसे बांधनी चाहिए। जिनको आप अंदर से प्यार करते हैं, जिनके प्रति आपकी अंदर से श्रद्धा है, जिनको आपको लगता है कि वो आप सदैव आपकी रक्षा करेंगे। क्योंकि कुछ देवी देवता ऐसे होते हैं जिनका अस्तित्व कलयुग में भी है। ऐसे ही भगवान है हनुमान जी, और हनुमान जी ने तो राम जी की भी रक्षा की थी और राम जी का साथ दिया था, मतलब राम जी की रक्षा उस वक्त की थी उन्होंने जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे और संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी। हालांकि राम जी तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो मानव रूप में थे और मानव रूप में उनकी लिमिटेशन थी, तो इसलिए उन्होंने हनुमान जी से सहायता मांगी और हनुमान जी ने उनकी सहायता भी की और लक्ष्मण जी पुनर्जीवित हो गए, बेहोशी उनकी टूट गई और वो कन्फ्यूज़न में थे तो पूरा पहाड़ ही उठा के ले आए थे। तो ये तो अपने घटना से आप परिचित ही हैं। तो हनुमान जी का अस्तित्व कलयुग में भी है, वर्तमान में भी है। तो हनुमान जी हमेशा उपस्थित होते हैं भक्तों की रक्षा के लिए, तो आप हनुमान जी को राखी पहली बांध सकते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं तो गणेश जी को भी बहुत मानती हूँ, गणेश जी का इष्ट है मुझे और गणेश जी मेरे प्रिय भगवान हैं, तो मैं गणेश जी और हनुमान जी दोनों को राखी बांधती हूँ। मेरी मतलब पहली और दूसरी राखी नहीं होती, मतलब पहली ही राखी मेरी दोनों को बनती है। तो मैं हनुमान जी को बांध देती हूँ कभी राखी और कभी गणेश जी को बांध देती हूँ, और मतलब दोनों को ही बांधती हूँ, लेकिन कभी किसको पहले बांधती हूँ, कभी किसको पहले बांधती हूँ। इसके अलावा मेरे घर के जो पितर हैं और उनको भी मैं नमन करती हूँ, और
जो ब्राह्मण देवता हैं वो घर में सीधा लेने के लिए आती हैं, मतलब ब्राह्मणी आती हैं, तो वो भी राखी बंधवाती हैं और उनको भी हम राखी बांधते थे। मतलब अभी तो शादी से पहले की बात हो गई है, लेकिन मैं हनुमान जी को अभी भी मानती हूँ और गणेश जी को भी मानती हूँ, तो उन दोनों को मैं राखी हमेशा बांधती हूँ। तो आप भी यह नियम बना लीजिए, या जिन भी भगवान के प्रति आपकी आस्था है उनको राखी अवश्य बांधिए और उनमें विश्वास रखिए कि वो एक रक्षा कवच की तरह, आपके एक ढाल की तरह आपका साथ देंगे, ऐसी आप मान्यता रखिए। इसके अलावा घर में जो भाई वगैरह होते हैं तो आपको मतलब आप उनको तो राखी बांधते ही, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यशाली होते हैं वो भाई जो बहन से वंचित हो जाते हैं राखी बांधवाने से, क्योंकि उनसे जैसा बदनसीब मेरे नज़र में कोई भी नहीं है। बहन क्या करती है, बहन तो थोड़ी देर के लिए आती है और आपको आशीर्वाद देके जाती है, लेकिन वो भी आपको गवारा नहीं होता। खैर कोई बात नहीं है, किसी चीज़ का मलाल नहीं है, और सबको सब सुख नहीं मिलता, भाइयों का सुख किसी के नसीब में नहीं होता तो उसको नहीं मिलता, लेकिन मैं तो हनुमान जी और गणेश जी में विश्वास रखती हूँ और उन्हीं को पूछती हूँ और उन्हीं में ट्रस्ट करती हूँ। तो मेरे तो भाई ये दो ही हैं, और आप भी अपने भाई किसी को बनाइए और रक्षा सूत्र का उपयोग करिए। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आपको अगर ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए वीडियो को, और आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है मित्रों, और ऐसी जानकारी शेयर भी करिए। शेयर करने से हमको पुण्य मिलता है और आशीर्वाद भी मिलता है, आपको भी आशीर्वाद मिलता है और मुझे भी आशीर्वाद मिलता है। परामर्श भी ले सकते हैं आप, मेरे हस्बैंड भी परामर्श देते हैं और मैं भी परामर्श देती हूँ। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।